टेढ़ा होते होते इस कदर टेढ़ा हो गया है कि अब जब खड़ा होता है तो सीधे की बजाय सीधा अपनी तरफ ही मुड़ जाता है, पर टेढ़ेपन की वजह से लिंग अंदर घुसता नहीं है। यहाँ पर गांठ है जिसको हम रिपेयर करने वाले हैं सीधा करने के लिए। में एक कैल्शियम की गांठ बन जाती है जो गांठ की वजह से में ब्लड सप्लाई और में टेढ़ापन आ जाता है। टेढ़ेपन को सीधा किया जा सकता है, दवाइयाँ भी होती है, सर्जरी भी होती है। टेढ़ी चोच होती है, टेढ़ी लिंग नहीं होता, लिंग सीधा होता है, तगड़ा होता है, लंबा होता है, मोटा होता है, लिंग जाता है अंदर। पर एक डिजीज़ है, इसको बोलते हैं पेरोनीज डिजीज़। पेरोनीज डिजीज़ मतलब लिंग में गांठ का बन जाना, लिंग में एक कैल्शियम की गांठ बन जाती है जो गांठ की वजह से लिंग में ब्लड सप्लाई और लिंग में टेढ़ापन आ जाता है। आज हमारे पास मरीज है जिनको पिछले 2 साल से पेरोनीज है, लिंग टेढ़ा होते होते इस कदर टेढ़ा हो गया है कि अब जब लिंग खड़ा होता है तो सीधे की बजाय सीधा अपनी तरफ ही मुड़ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा इस सर्जरी को कैसे करेंगे। इसमें हम एक सर्जरी करेंगे जिसको बोलते हैं प्लाक इंसिजन एंड ग्राफ्टिंग, जो लेटेस्ट टेक्निक है टेढ़े लिंग को सीधा करने की। पर सब में नहीं, पेरोनीज के पेशेंट में दवाइयाँ भी इनमें ट्राई की थी, थोड़ा बहुत फ़र्क आया पर पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वो सर्जरी करनी पड़ रही है। सर्जरी सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, सर्जरी टेक्निकल है और सर्जरी का रिस्क है कि हो सकता है कि टेढ़ा भी सीधा ना हो और खड़ा होना बंद हो जाए। तो ये रिस्क समझते हुए सर्जरी करेंगे, 99% इनको ठीक करेंगे। देखिए सर्जरी कैसे होती है। इसमें हम 4 मेन डिफरेंस है। पहला है कि हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, हम इंजेक्शन से इनको टाइट करते हैं। सेकंड है, आप देखेंगे कि टेढ़ा है पर टेढ़ेपन की वजह से अंदर घुसता नहीं है। यहाँ पर गांठ है जिसको हम रिपेयर करने वाले हैं सीधा करने के लिए। और ठीक है, तो हम यहाँ से इसको खोलेंगे और देखते हैं हम इसको कैसे सीधा कर पाएंगे। तो अब हम इसको प्लाइकेशन से सीधा करेंगे। पेरोनीज डिजीज मतलब कि लिंग के अंदर 4 प्रॉब्लम हो गई एक साथ। पहली प्रॉब्लम है कि लिंग जो है पूरा तनाव में नहीं आ रहा। दूसरा प्रॉब्लम कि लिंग के अंदर गांठ है जो महसूस होती है, उस गांठ में हो सकता है दर्द हो, उस गांठ में हो सकता है दर्द ना हो और वो गांठ धीरे धीरे बढ़ रही है। और तीसरा लिंग में टेढ़ापन आ रहा है, टेढ़ापन या तो हो सकता है लेफ्ट राइट हो, नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो। तो अगर और ये नॉर्मली ये डिजीज़ जो है 30 या 35 साल के बाद स्टार्ट होती है। इस डिजीज़ में पेशेंट्स यूजुअली डायबिटिक होते हैं, कभी ना कभी आधे खड़े लिंग से सेक्स किया होता है और कहीं ना कहीं इसमें चोट लगी होती है। तो पेरोनीज डिजीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी तरीक़ों से होता है, पर सही ट्रीटमेंट लेना पेरोनीज डिजीज़ में अत्यंत ज़रूरी है। टेढ़ेपन को सीधा किया जा सकता है, दवाइयाँ भी होती है, सर्जरी भी होती है। सर्जरी किस तरीके की होती है, इसके अंदर हमने प्लाक इंसिजन ग्राफ्टिंग सर्जरी हमने दिखाई नहीं है, रिजल्ट दिखाया है, सर्जरी एनिमेशन फॉर्म में दिखाएंगे। तो कि हमने प्लाक को काटा, उस पर ग्राफ्ट लगाया, इसको कम्प्लीटली सीधा कर दिया। तो अगर आपका पेनिस टेढ़ा है और आप भी चाहते हैं कि पेनिस सीधा रहे और पेरोनीज डिजीज़ से ग्रस्त है, तो उसके लिए ये प्लाक इंसिजन ग्राफ्टिंग एक सेफ 30-40 मिनट की सर्जरी है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू, स्टे सब्सक्राइब्ड।